Good morning students, standard 5. Today I am going to teach you mathematics. Chapter number 8 and the name of the chapter is decimal. Okay. So, अभी तो तुम लोगों को मालूम है कौन सा रेशनल नंबर क्या होता है एंड कौन सा होल नंबर्स क्या है, कौन सा इंटीजर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या है एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डेसिमल्स. ओके, डेसिमल नंबर. चलो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं. ओके, वी विल टेक वन नंबर एंड आई हैव रिटन इट ऑन द ब्लैक बोर्ड 423.516. ओके, 423.516, राइट. सो ये एक डेसिमल नंबर है और इसका दो पार्ट्स है. ओके, देखिए ये बीचों बीच में एक डेसिमल पॉइंट है एंड इट इज नॉन एज व्हाट डेसिमल पॉइंट एंड डेसिमल पॉइंट का लेफ्ट हैंड में कितना है 423. ओके, 423 एंड ये 423 को क्या बोला जाएगा, होल पार्ट मींस इट इज नॉट फ्रैक्शन. ओके, और ऑल्सो यू कैन से इट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेसिमल नंबर एंड ये जो डॉट मैंने प्लेस किया बीचों बीच में डॉट का राइट हैंड साइड में आई हैव रिटन 516. ओके, तुम लोग ऐसा नहीं पढ़ना है 516 बोल के, यू हैव टू रीड ओनली 516. सो इट इज द व्हाट, दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट. ओके, सो ए डेसिमल नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज इंटीग्रल पार्ट और होल पार्ट एंड अदर इज फ्रैक्शनल पार्ट. होल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, गॉट इट. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डेसिमल नंबर एंड डेसिमल पॉइंट के बाद हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, हियर थ्री डिजिट्स आर देयर 516. सो देयर आर थ्री डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट. ओके, सो दिस इज द होल पार्ट एंड दिस इज द व्हाट फ्रैक्शन पार्ट एंड दोनों मिला के क्या हुआ द डेसिमल नंबर. ओके, सो एंड हाउ यू रीड द नंबर, यू हैव टू रीड 423.516, नॉट 516, 516. ओके, ए पोर्शन को एट अ टाइम बोला जाएगा द लेफ्ट पार्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट 423.516. ओके, सो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में. ओके, हाउ विल यू राइट द डेसिमल नंबर इन प्लेस वैल्यू चार्ट. देखो दिस इज द प्लेस वैल्यू चार्ट. ओके, इन द प्लस वैल्यू चार्ट यू विल फाइंड डेसिमल पॉइंट हियर इन दिस कॉलम. ओके, एंड लेफ्ट हैंड साइड में जो डिजिट्स है हम लोग कैसे लिखेंगे, वंस टेंस एंड हंड्रेड हंड्रेड का रूप में. ओके, जस्ट यू राइट नंबर्स. ओके, इन योर प्रीवियस चैप्टर लाइक दिस. सो इसमें क्या होता है 423.516, इसमें थ्री इज कॉल्ड यूनिट डिजिट्स और इसको हम लोग क्या यूनिट प्लस में लिखेंगे, यूनिट प्लस मींस वन प्लस में. सो यू हैव टू राइट थ्री इन वन प्लस मींस थ्री वंस. ओके, देन यू कम टू टू, टू इज इन टेन टेन प्लस, सो यू हैव टू राइट बट इन टेन्स, टू टेन्स एंड 4 इज इन 100 प्लस, सो यू हैव टू राइट 400. ओके, सो आई हैव रिटन द होल पार्ट 423. ओके, नेक्स्ट डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको हम लोग लिखेंगे. ओके, सो डेसिमल पॉइंट का पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट आएगा, यहां पहला डिजिट कितना है 5. ए फाइव क्या होता है, इट इज द टेंथ प्लेस नॉट टेन प्लेस,
tenth, T-E-N-T-H. So tenth means क्या होता है, tenth means 1/10. Okay, tenth means 1/10. So 5/10 means 5/10. Okay, so in tenth place you will write 5. उसके बाद आ जाना 100 प्लस. ये जो डिजिट 1 है, ओके, यू हैव टू राइट इट इन 100 प्लस. हाउ मेनी 100 आर देयर? 100. ओके, नेक्स्ट किसको लिखना है? 6 को. एंड जो तीसरा नंबर डिजिट है दैट इज द 1000 प्लस. ओके, सो यू हैव टू राइट हियर 6000. So, the given number is written as 4 hundreds, 2 tens, 3 ones, 0.5 tens, 100s, and 6000s. So, you have to write the decimal number in the place value chart in this manner. Okay? So, next I will teach you how will you write the decimal number, the given decimal number 4, 2, 3.516 in expanded form. Just like हम लोग पहले लिखते थे, जैसे what is the expanded form of 25? 20 plus 5 means 2 into 10 plus 5 into 1. Okay, this is the expanded form. अभी क्या करेंगे हम लोग, जो ब्लैकबोर्ड में लिखा हुआ है जो डेसिमल नंबर, इसको हम लोग लिखेंगे इन एक्सपेंडेड फॉर्म में. एंड हाउ विल यू राइट? सी, मैं अभी जो प्लेस बैक वैल्यू चार्ट लिखा हूं इसको मैं अरेंज कर रहा हूं. सो एक्सपेंडेड फॉर्म, ओके, expanded form. So first you write the number 4, 20, 3.516. Got it? First whole part को लिखना है 4, 20, 3 plus 0. Then fractional part 0.516. Okay? अभी हम लोग 423 को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 400 और 100 प्लस 2 tens प्लस 3 ones, ओके, प्लस अभी फ्रैक्शनल पार्ट को लिखना है. फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे लिखेंगे? यू हैव टू राइट 5 tens, T-E-N-T-H-S, tens प्लस, ओके, 100 प्लस 6000, ओके, thousands. Then you finally write, okay, 400 plus 20 plus 3, okay, plus 5/10 plus 1/100 plus 6/1000. Okay, so this is the expanded form of the given decimal numbers. Okay, students. Next, I am going to teach you the types of decimal fractions. Okay, what are the different types of decimal fractions? First, let me erase the blackboard.
generally there are three types of decimal numbers. Okay, three types. Number one, like decimal fraction. Second one, unlike decimal fraction. Third one, equivalent decimal fractions. Equivalent decimal fractions. Okay. And what are like decimal fractions? Two decimal fractions, two or more decimal fractions are said to be like if they have equal number of decimal places. Okay. Suppose I am going to write some numbers 0.23. Next 0.65. Okay. Next 45.63. And you take another number 68.21. So I have written four decimal numbers 0.23, 0.65, 45.63 and 68.21. यहां देखिए 0.23 पॉइंट के बाद I have written how many digits? Two digits, two and three. So there are two digits after the decimal point in the first number. In the second number also I have written two digits 0.65. Okay. And in the third number 45.63, here also I have written two digits after the decimal point. मैं यहां जो integral part या whole part को लिखा हूं उसको मैं consider नहीं कर रहा हूं, just decimal point के बाद कितना digits है, okay? उसको observe कर रहा हूं. तो ये चार number है in each case, okay? Only two digits are there. So you are finding two decimal places in each of the number. Okay, so such types of number are known as what? Like decimal fraction. Like decimal fractions. Got it? Next come to unlike decimal fractions. You take some example 0.5. Okay, pehla number hai 0.5. Second you take 0.63. Okay, and third you take 2.365. See students, here I have written three decimal numbers. In the first number only one digit is there after decimal point. In the second number how many digits are there? Two digits, and these are 6 and 3. And in the third decimal number, I have written how many digits? Three digits, 2.365. So, पहला केस में one digit है, second में दो है, and तीसरा में तीन digits है. So, तीनों number में अलग-अलग decimal places है. Means decimal point के बाद जो digits है, उसका number अलग-अलग है. Okay? So such types of number are known as unlike decimal fraction. Got it? And next come to equivalent decimal fraction. Equivalent ka matlab kya hota hai? Same. Okay. So these are the same numbers. Got it? Suppose I have written here. See, 53.56. Okay. Next number is 53.56.
560. Okay. And next number is what? 56.5600. Got it? इन द थर्ड केस आई हैव रिटन द सेम नंबर. इसमें मैंने डेसिमल पॉइंट के पास दो 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 डिजिट्स प्लस किया है और इसमें कितना प्लस किया है 3 डिजिट्स. बट ऑन द एक्सट्रीम राइट, ओके, एक्सट्रीम राइट में मैंने 0 प्लस किया है. और इन केस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट तुम लोग इतना भी 0 लगाओ राइट हैंड साइड में, इट डजंट ऑल्टर द वैल्यू, इट डजंट चेंज द वैल्यू, उसका वैल्यू नहीं बदल पाता है. ओके, हियर आल्सो आई हैव रिटन 56.5600, जहां की 00 का वैल्यू कुछ भी नहीं. ओके, सो सच टाइप्स ऑफ नंबर आर नोन एज व्हाट? इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन. गॉट इट स्टूडेंट्स? सो टुडे आई वांट टू कंक्लूड द क्लास. ओके, एंड इन द नेक्स्ट क्लास I am coming with your exercise portion 26. Thank you. I think you understood the numbers. If you have any doubts, you can raise your messages. Thank you. Have a nice day.